हेलो स्टूडेंट्स, आपका जोगटा एकेडमी में स्वागत है। आज से हम हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी काफ़ी समय से मांग हो रही थी। आज हम ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, और टॉपिक का नाम है यूनिवर्स। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। तो हम ब्रह्मांड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड है क्या। ब्रह्मांड में आप सभी जो भी चीज़ हमारे को दिखाई दे रही है वो बड़े से बड़ा आपका गैलेक्सी भी हो सकती है, और छोटे से छोटी कोई भी चीज़ हो जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो वो सभी क्या है, यूनिवर्स का भाग है। मैं सामान्य रूप से ये कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ आती है, इसमें आपका आती है मंदाकिनी, इसमें मंदाकिनी आती है, इसमें तारे आते हैं, इसमें सूर्य आता है, और इसमें आपका क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं, एस्ट्रॉइड, और इसके अलावा इसमें उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड आते हैं। और इसके अलावा आपका जो खाली जगह है जिसमें आपका कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, कुछ गैसेज है, वो भी सारा यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो इस तरीके से यूनिवर्स में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें जो भी चीज़ हमारे को दिखाई दे रही है वो आपका बड़े से बड़ा आपका मंदाकिनी भी हो सकती है, या छोटे से छोटा आपका जो उप आणविक कण, जिसको हम सब एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो ये हमारे को यूनिवर्स का पता लगा, और इसी के बारे में हमने आगे बात करनी है। ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले क्या था कि अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, उसमें हमारे को ये पता लगता है कि इसके बारे में दो सिद्धांत दिए गए थे। तो यूनिवर्स का जो पहले केंद्र था वो किसको माना जाता था, सूर्य को माना जाता था या अर्थ को माना जाता था। तो वो दो सिद्धांत, उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, बट हिंदी में हम क्या कहेंगे, भू केंद्रीय सिद्धांत। दो सिद्धांतों का यहाँ मैं जिक्र करूँगी, एक भू केंद्रीय सिद्धांत है, एक आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो दो सिद्धांत हमारे पास दिए गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स के केंद्र के बारे में हमारे को कोई भी जानकारी नहीं थी। इसमें पहला सिद्धांत जो दिया गया था वो था भू केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत था वो था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब अगर मैं भू केंद्रीय सिद्धांत की बात कर रहा हूं, तो भू केंद्रीय सिद्धांत में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मैं इधर लिख देता हूं, भू केंद्रीय सिद्धांत में हमें यह पता लगता है कि पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र माना गया था, पृथ्वी को इसमें क्या किया गया था, सौर मंडल का केंद्र माना गया, सौर मंडल का, या यूनिवर्स का मैं कह सकता हूं, सौर मंडल का नहीं, इसको यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। और इधर जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था, इसमें सूर्य को केंद्र मान लिया गया, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, ठीक है। अब ये पृथ्वी का जो केंद्र माना गया था यूनिवर्स का, वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता, वो काफी हाइपोथेटिक है। तो ये जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, ये टोलमी ने 140 एडी में दिया था, ये भू केंद्रीय सिद्धांत, इसको टोलमी ने 140 एडी में दिया था, यानी कि ईस्वी में दिया था। जबकि जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है ये 1543 ईस्वी में किसने दिया था, कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को दिया था।
अब क्योंकि हम यूनिवर्स के, ये तो केंद्र के बारे में सिद्धांत हमारे को पता लगता है, क्योंकि पहले इसके बारे में खगोल शास्त्र की स्पीयर में उतना काम नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हमारे को केंद्र को लेके क्या था, अलग अलग उसमें थ्योरीज दी गई थी। टॉलमी का जैसे मैंने बात की है, टॉलमी ने इसमें भू केंद्रीय सिद्धांत दिया, और जबकि यहाँ पे कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, लेकिन ये दोनों ही सिद्धांत क्या थे, गलत थे। अब हम इसमें आगे इस सिद्धांत के बाद हम क्या करेंगे, ये एक तो हमारे को ये ब्रह्मांड का पता लगा उसके कंपोनेंट का, कि मतलब ब्रह्मांड है क्या, और दूसरा हमारे को इसके केंद्र के बारे में जो सिद्धांत थे उसके बारे में पता लगा, वो चाहे आपका भू केंद्रीय सिद्धांत हो चाहे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हो। अब इसमें हमारे को हम अब इसमें नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है ब्रह्मांड के विकास के संदर्भ में सिद्धांत, हमारा जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स यानी कि वो कैसे बना। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो हम करेंगे, वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, इसको जॉर्ज लेमेटर ने दिया था। जॉर्ज लेमेटर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में भी आपको मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, इसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी में या महाविस्फोटक सिद्धांत में क्या कहा गया था कि पहले जो हमारा यूनिवर्स था या इसके जो सारे कंपोनेंट है वो बिल्कुल क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, और ये एक प्रारंभिक कण के रूप में थे, और उस प्रारंभिक कण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमल एटम कहते हैं। यानी हमारा जो यूनिवर्स है वो पहले एक पिंड के रूप में था, और उस पिंड को कहा जाता था प्रारंभिक पिंड, प्रारंभिक पिंड। अब ये जो प्रारंभिक पिंड है, इंग्लिश में भी आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसे क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमल एटम, इसको हम प्राइमल एटम कह देते हैं। अब ये जो हमारा यूनिवर्स था उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पहले क्या था, काफ़ी मतलब सिकड़ा हुआ था, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सिकड़ा हुआ था कि बिल्कुल एक छोटे से डॉट की फॉर्म में या बिंदु के रूप में ये था, और वो जो बिंदु था उसी को मैंने प्राइमल या प्रारंभिक पिंड कहा है, और ये जो प्रारंभिक पिंड था इसका जो दाब था वो कहीं ना कहीं असीम था, इनफाइनाइट था, इसका जो तापमान था वो भी कहीं ना कहीं क्या था, असीम था, और इसके अलावा इसका जो घनत्व था, घनत्व वो भी कहीं ना कहीं क्या था, असीम था। अब ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत है इसमें हमारे को ये पता लगता है कि जो यूनिवर्स है उसमें क्या हुआ था, उसमें क्योंकि दाब काफ़ी ज़्यादा था और आगे कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, उसमें एक विस्फोट हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको हम क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर दाब डाल सकते हैं, लेकिन जब वो दाब की जो सीमा है, फाइनल जो अंतिम जो सीमा होगी उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, उसमें एक विस्फोट हो जाएगा, और वो जो विस्फोट था उसी को हम महाविस्फोट या महाविस्फोटक सिद्धांत कह देते हैं। अब जब इस प्राइमल एटम में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद इसका विस्तार होता गया और हमारे पास कई चीज़ें देखने को मिली, जैसे इसी के परिणाम स्वरूप आपका मैं ये कह सकता हूँ मंदाकिनी का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, तारों को मग्रह हो, ठीक है, शूद्र ग्रह हो, शूद्र ग्रह हो, ठीक है, उल्का पिंडो, उल्का और उल्का पिंडो, इन सभी का क्या था, निर्माण हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, एक आपका हाइपोथेसिस है, एक आपका अप्रूव मतलब एक ये सोच है या एक सिद्धांत ही आपका सोच पे आधारित है, तो ये आपका महाविस्फोट सिद्धांत हमारे को पता लगा। महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में अगर मैं आधुनिक अभी मतलब लेटेस्ट बात करता हूँ तो उसमें मुझे एक और भी चीज़ पता लगती है कि ये जो महाविस्फोट हुआ था इसमें एक भगवान का कण, हम उसको कह सकते हैं भगवान का कण, या उसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, और हिंदी में उसको हम क्या कह सकते हैं, हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन ने भी क्या था, इस विस्फोट के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ भी माना जाता है,
और ये गॉड पार्टिकल क्या है, ये सही मायने में एक ऐसा कण है जो खुद तो मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन दूसरे कणों में द्रव्यमान लाने की इसकी क्षमता होती है। यानी कि इसी के परिणाम स्वरूप हमारी जितने भी आकाशीय पिंड है वो कहीं ना कहीं उनको बनाने में इस कण का बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिग्स बोसान क्या करेगा कि ये हमारे यूनिवर्स को बनाने का काम भी करेगा और उसको ख़त्म करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब ये हमारे को पहला सिद्धांत पता लगा किसके बारे में, ब्रह्मांड के विकास के बारे में। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे। अब ये जो दूसरा सिद्धांत है ये आपका किसके बारे में है, इसको हम रेड शिफ्ट सिद्धांत कहते हैं, और इसमें हम काय की बात करेंगे, वर्ण क्रम की बात करेंगे। अब वर्ण क्रम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपका क्या होंगे, सात रंग होते हैं, इसमें सात रंग होते हैं, और इसके एक सिरे में किसी भी कलर में मतलब जो हमारी लाइट है वो आपका किससे बनती है, वर्ण क्रम से बनती है, और वर्ण क्रम के एक सिरे में हमारे को क्या देखने को मिलता है, नीला रंग देखने को मिलता है, और दूसरे में हमारे को लाल रंग देखने को मिलता है। अब ये चीज हमारे को पता है कि जो लाल रंग है इसका जो तरंग धैर्य है यानी कि जो वेव लेंथ है वो आपको काफी ज्यादा होता है, इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। अधिक होता है, ठीक है, और जबकि जो नीला रंग है इसका सबसे कम होगा, सबसे कम होता है। इससे हमारे को यूनिवर्स के एक्सपेंशन या उसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता लगता है। जनरली क्या होता है, अगर मैं इसमें रेड शिफ्ट की बात करता हूँ, रेड शिफ्ट भी कह सकता हूँ या इसमें ब्लू शिफ्ट की बात भी मैं कर सकता हूँ, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट की बात भी इसमें मैं कर सकता हूँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन कलर्स के द्वारा या वो आपका तरंगों के द्वारा संवेग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ सिस्टम के ऊपर किसी आकाशीय पिंड की या किसी ग्रह के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा, कोई भी आकाशीय पिंड जब आपके नज़दीक आएगा, कोई भी आकाशीय पिंड आपके नज़दीक आएगा तो क्या होगा, आएगा तो आपका जो कलर है, कलर की जो शिफ्टिंग है वो आपका क्या हो जाएगी, आपका ब्लू से रेड टू ब्लू हो जाएगी, यानी कि लाल से नीले की ओर हो जाएगी। और यदि आपसे कोई आकाशीय पिंड दूर जा रहा है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कलर की शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि आपका नीले से आपका लाल की ओर, नीले से लाल की ओर हो जाएगी। मतलब आपका जो नीला रंग है उसका जो तरंग धैर्य है वो आपका कम होगा, तो उससे हमारे को ये पता लग रहा है कि कोई बॉडी हमारे नज़दीक आ रही है, कोई आकाशीय पिंड हमारे नज़दीक आ रहा है, और लाल रंग से हमारे को ये पता लग रहा है कि कोई बॉडी हमारे से क्या है कि कोई जैसे रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है ज़्यादा होगी तो कोई हमारे से दूर जा रही है, तो वो हमारे को किससे पता लग रहा है, इससे रेड शिफ्ट सिद्धांत से। बट इसका जो कंक्लूजन है उसमें मैं यही बता सकता हूँ कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कलर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अर्थ सिस्टम के ऊपर किसी आकाशीय पिंड की दूरी को हम जान सकते हैं। तो ये हमारे को इसमें रेड शिफ्ट सिद्धांत में पता लगा। अब मैं इसमें जो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्थायी अवस्था सिद्धांत की, यानी कि हम इसको स्टेडी स्टेट सिद्धांत कह देते हैं। और इस स्टेडी स्टेट सिद्धांत में हमारे को ये पता लगता है कि हमारी जो यूनिवर्स है इसका कोई भी एंड नहीं है, यानी कि इसका ना कोई आदि है ना अंत, ना आदि है ना अंत। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है,
हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, लेकिन इसके आकार में, इसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। मतलब इससे हमारे को यह पता लग रहा है कि भले ही हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो उसका निरंतर विस्तार हो रहा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है, जो रूप है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वही आपका स्थायी अवस्था सिद्धांत है। अब मैं इसमें जो नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, वो आपका कौन सा सिद्धांत है, उसको मैंने, उसको दोलन सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो दोलन सिद्धांत है, इसमें हमारे को किस चीज़ का पता लगता है, इसमें हमारे को ये पता लगता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो आपका विस्तारित भी हो रहा है और उसका संकोचन भी हो रहा है, विस्तारण और संकोचन। ठीक है, इसमें आपका क्या है, यूनिवर्स के विस्तारण और संकोचन का पता लग रहा है, यानी कि ब्रह्मांड के विस्तारण और संकोचन के बारे में हमें इसे पता लगता है। अब ये तो इसमें सिद्धांत हमने कुछ डिस्कस किए हैं, जैसे माप विस्फोटक सिद्धांत था, या आपका रेड शिफ्ट सिद्धांत था, फिर स्थायी अवस्था सिद्धांत है, या दोलन सिद्धांत है। अब हम नेक्स्ट इसमें किसके बारे में बात करेंगे, वो है ब्रह्मांड के घटक। अगर मैं सामान्य तौर से बात करता हूँ तो ब्रह्मांड के जो घटक है, इसमें हमारे को मंदाकिनी, ठीक है, तारे, फिर आपका जैसे मैंने क्षुद्र ग्रह का, क्षुद्र ग्रह या उपग्रह भी मैं कह सकता हूँ, उपग्रह वो भी इसका भाग है, उल्का पिंड, उल्का हो गया, फिर आपका धूमकेतु, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब क्या सामान्य रूप से कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मांड के घटक है, यानी कि उसके भाग है। और अगर मैं इसकी खगोल शास्त्र के मुताबिक बात करता हूँ तो इसमें हमारे को ये पता लगता है कि इसका जो भाग है, इसमें नंबर एक तो हमारे को अंध ऊर्जा का पता लगता है, अंध ऊर्जा का पता लगता है, और अंध ऊर्जा में मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ये मतलब विजिबल नहीं है, जो वो ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारा ब्रह्मांड, द्वारा हमारा ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ठीक है, तो उसमें एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारा जो यूनिवर्स है निरंतर विस्तारित हो रहा है, वही आपका क्या है, अंध ऊर्जा है, अंध ऊर्जा, या इसको मैं डार्क एनर्जी भी कह सकता हूँ। और खगोल शास्त्र के मुताबिक अंध ऊर्जा सबसे बड़ा ब्रह्मांड का घटक है, और ये लगभग पूरे यूनिवर्स का कितना है, 68% है। अब दूसरा इसमें जो घटक हमारे को देखने को मिलता है वो है अंध पदार्थ। अब ये जो अंध पदार्थ है, ये आपका क्या है, ये यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, ब्रह्मांड का ना दिखने वाला, दिखने वाला भाग, दिखने वाला भाग,
जो हमारे को दिखाई नहीं देता है। और ये जो भाग है ये लगभग 27% है। और तीसरा हमें क्या मिलता है, विजिबल यानी कि दृश्य भाग, तीसरा दृश्य भाग। और ये जो दृश्य भाग है ये लगभग कितना है, 5%, 5%। तो ये मैंने खगोल शास्त्र के मुताबिक बात की है और ये की है मैंने सामान्य रूप से। अब हम नेक्स्ट इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें हम सामान्य रूप से जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घटक है वो आकाश गंगा है, उसके बारे में करेंगे, या उसको मंदाकिनी कह देते हैं। मंदाकिनी के दो प्रकार है, पहला है सामान्य मंदाकिनी और दूसरा है रेडियो मंदाकिनी, रेडियो मंदाकिनी। अब ये जो सामान्य मंदाकिनी होती है ये सही मायने में इसका क्या होता है कि ये आपका केंद्र में, केंद्र में ये काफी चमकदार होगी, या इसमें मतलब ज्यादा रोशनी होगी और किनारों पे, और इसके किनारों पे, किनारों की ओर रोशनी कम होती जाएगी, रोशनी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लो ये है तो इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे आपको ब्राइटनेस हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा यहाँ पे चमकीली होगी यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे बाहर की ओर जाते जाएंगे वो आपको इसकी जो चमक है वो कम होती जाएगी। रेडियो जो मंदाकिनी होगी ये क्या करती है, इसकी जो चमक है वो कहीं ज़्यादा होगी, जो कहीं ज़्यादा चमकीली होगी, चमकीली होगी। और यो केंद्र तथा तथा भारी दोनों जगह, भारी और चमकीली होगी, चमकीली होगी। चमकीली होगी ये दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगी, चमकीली होगी। और ये क्या करेगी, रेडियो तरंगों को ये उत्सर्जित करेगी, रेडियो तरंगों को ये क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी यानी कि छोड़ेगी, इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी। अब ये दोनों हमारे को दो टाइप मंदाकिनी के पता लग गए हैं, एक तो सामान्य मंदाकिनी की मैंने जिक्र किया है जिसकी चमक कम होगी, और आपका रेडियो मंदाकिनी उसकी चमक ज़्यादा होगी। ये वाली जो होगी इसका केंद्र में जो चमक है वो आपका थोड़ी ज़्यादा होगी और किनारों की ओर इसकी चमक कम होती जाएगी। और रेडियो तरंगों में यहाँ हमारे को ये पता लग रहा है कि ये आपका काफ़ी चमकीली होगी, इसकी चमक तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा होगी और ये रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करेगी। और ये केंद्र और भारी इसका जो सिरा होगा वहाँ पे समान रूप से इसकी चमक होगी। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, सामान्य मंदाकिनी के, सामान्य मंदाकिनी, मंदाकिनी के स्वरूप। अब अगर मैं सामान्य मंदाकिनी की बात कर रहा हूँ इसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलेगी, सर्पिलाकार और दूसरी होगी अंडाकार और तीसरी होगी अनियमित, अनियमित। ये वाली जो सर्पिलाकार हमारी मंदाकिनी है इसका जो आकार है वो आपका इस तरीके से होगा,
जबकि जो अंडाकार मंदाकिनी होगी उसका जो स्वरूप है वो लगभग इस तरीके से, मतलब एग की शेप में हमारे को एक वाइट बेल्ट आसमान में पेटी देखने में को मिलेगी। जबकि जो अनियमित है इसका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं होता है, कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता है। ये आपका बिल्कुल पता लग गया, ये आपके इसकी सर्पेलाकार होगी, ये आपका अंडाकार होगी, और इसका जबकि कोई भी स्वरूप नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा कई बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो सर्पेलाकार है, सर्पेलाकार वो लगभग उस प्रकार की ज़्यादा मंदाकिनी हमारे को देखने को मिलती है, लगभग आपका 80%, जबकि जो अंडाकार है ये लगभग 18% है और अनियमित लगभग 2%। तो इस तरीके से हमारे को ये मंदाकिनी के बारे में पता लगा कि इसका जो स्वरूप है वो 3 प्रकार का होता है, और सबसे ज़्यादा जो मंदाकिनियाँ हैं वो सर्पेलाकार होती है, यानी कि स्पाइरल होती है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सूर्य की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे और ग्रह उल्का क्षुद्र ग्रह और उपग्रहों के बारे में। आज के लिए फिर इतना ही है, कल हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि तारे का अंत कैसे होगा, और साथ में हम सूर्य की संरचना और बाकी जितने भी आकाशीय पिंड है उनके बारे में चर्चा करेंगे।